कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का स्वागत है रिया रजावत यूट्यूब चैनल पर। और ये होली के बाद शाम का टाइम था तो मैं यहाँ बैठी हुई थी बाहर, जो हमारे मेरे कमरे के बाहर जगह खाली है वहाँ बैठी हुई थी। मन नहीं लग रहा था, बच्चे मम्मी पापा के पास दुकान पर गए हुए थे तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात करी जाए। और आज पापा की बहुत याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा। वरना पता है हर होली पे क्या होता है कि पापा सुबह सुबह फ़ोन करते थे, दोनों बहनों के पास सुबह सुबह फ़ोन करते थे कि आओगी और मतलब और ठीक हो, क्या बनाया है, क्या मतलब। आज वो चीज़ें बहुत याद आ रही थी बहुत ज़्यादा। सच बात है, हस्बैंड के बिना लाइफ और माँ बाप के बिना घर बहुत सूना होता है सच में। पता नहीं दोनों दोनों चीज़ें मेरी हिस्से में भगवान ने क्यों डाल दी हैं। कभी कभी अपनी ज़िंदगी से ना मुझे नफ़रत हो जाती है सच में यार, दिल की बात बोल रही हूँ। कभी कभी मुझे अपनी ज़िंदगी से ना नफ़रत हो जाती है, मुझे लगता है मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। मैं तो यार किसी के साथ गलत भी नहीं करती, हर किसी की प्रॉब्लम को, हर किसी के दुख को समझती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं भगवान। और आप लोगों की होली कैसी गई है? आप लोगों ने होली में क्या क्या बनाया था? और मैंने तो हमारे यहाँ दही बल्ले और चटनी और गुजिया और क्या बना था, नमक पारे और क्या बना था, मटर पनीर की सब्ज़ी, क्या क्या बना था आपके यहाँ, मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को गिना दी थी। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया भी था कि खीर बनी थी, कचौड़ी बनी थी, पूड़ी बनी थी। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों के यहाँ क्या क्या बना है, ठीक है? मुझे कमेंट करके बताना, मुझे कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट की रिप्लाई भी करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना मुझे। और आप लोगों ने जो मेरी मदर इन लॉ वाली वीडियो पसंद की थी तो थैंक यू, आपने मेरी मदर इन लॉ के लिए इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए, थैंक यू। और परी शौर्य भी आप लोगों के मैसेज पढ़ते हो, पर पीछे छिपकली देखो, छिपकली, गर्मी आ गई, अब गर्मियों में बहुत सारी छिपकलियाँ निकला करेंगी। और सच्ची में मैं ऊपर के कमरे में रहती हूँ, बहुत गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा। नीचे दो रूम हैं, एक रूम पापा मम्मी का, एक रूम देवर का है, तो ऊपर वाले कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत गर्मी हो जाती है। और अभी तो कुछ नहीं है लेकिन जब आगे गर्मी आ जाएगी ना बहुत दिक्कत हो जाती है। सर्दियों में तो अच्छा लगता है लेकिन गर्मियों में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। आप लोग मुझे ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हो, मुझे ऐसा लगता है मेरी वीडियोज़ में कुछ कमी रह जाती है। हाँ, और एक बात और, मेरी एक सब्सक्राइबर थे या थी जो भी थे वो मुझसे कह रहे थे कि रिया जी आप बहुत ज़्यादा बातों को रिपीट करती हो। आप बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं बातों को बहुत ज़्यादा रिपीट करती हूँ। कभी कभी मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं खुद भी अपनी वीडियो देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा बातों को रिपीट किया है, फिर मैं उसको कट करती हूँ। मेरी आदत है ये, कैसे छुटाऊँगी अपनी ये आदत सीख जाऊँगी, छुटा लूँगी, अब मैं बातों को कम रिपीट किया करूँगी, धीरे धीरे सीख जाऊँगी। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें होती ही हैं और हम उनको छुटाना भी चाहें तब भी छूटती नहीं है। अभी तो मैं बातों को रिपीट नहीं करनी ना, जो क्या पता वो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो दोबारा मेरी ये वीडियो देखें तो शायद मुझसे फिर से बोलें तो मैं बातों को रिपीट करती हूँ, मुझे पता है मैं एक ही बात को बार बार रिपीट कर देती हूँ। मैंने 2-3 बार इसी चीज़ को रिपीट कर दिया, आप ज़रूर बोलेंगे मुझसे। और सच में आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। और आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे बहुत। और आज मुझे परी के पापा की बहुत याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा। मैं उनके फ़र्ज़ तो निभा रही हूँ लेकिन मैं अपनी लाइफ में बहुत अकेली हो चुकी हूँ सच में। उनके जाने के बाद उनके मम्मी पापा और फैमिली का ध्यान तो रख रही हूँ लेकिन बहुत अकेली हो चुकी हूँ अपनी लाइफ में सच में। कभी कभी ऐसा लगता है सिर्फ भगवान मेरे बच्चे अपने पैरों पे स्टैंड हो जाएं, परी की शादी हो जाए और शौर्य भी अपनी लाइफ में सेटल हो जाए, फिर मैं भी उनके पास जाऊँ। सच में कभी कभी बहुत 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 मतलब बहुत दुखी हो जाती हूँ मैं। कोई तीज त्यौहार आता है तो मुझे बहुत याद आती है उनकी और सच में ऐसा लगता है कि कहाँ से उन्हें ले आऊँ, कहाँ ऐसी जगह चली जाऊँ मैं जहाँ वो मुझे मिल जाए। लेकिन
जब मुझे यहाँ से जाना होगा तभी वो मिलेंगे मुझे तो। और दूसरा पापा की कमी, जब मैं घर जाती थी तो पापा हर तरीके की बातें करते थे, और मतलब वो माँ पापा हमारे दोनों ही थे, क्योंकि मम्मी के ख़त्म होने के बाद, मम्मी ख़त्म हुई थी तब तो हम छोटे छोटे थे, और मम्मी का हमें इतना नहीं लगता है क्योंकि मम्मी जब ख़त्म हुई थी तो मैं 8 साल की थी या 7-8 साल की होंगी, और उसके बाद पापा ने ही, पापा के साथ ज़्यादा रहे हैं, पापा से ज़्यादा अटैचमेंट है हम चारों भाई बहनों का, तो हम लोगों को पापा की ज़्यादा लगती है, और मतलब बहुत याद आती है पापा की, बहुत ज़्यादा। कैसे मतलब कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन उनकी फ़ोटो वगैरह देखते हैं उनकी कोई बात याद आ जाती है। अब आज ही सुबह जैसी मैं उठी, आज मेरी सुबह 4:30 बजे आँख खुल गई, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कि पापा हैं, हम घर जाएंगे तो हमें मिलेंगे, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है, वो हमारा वहम होता है। बहुत बहुत कोशिश करती हूँ अपना कि रोऊँ ना, लेकिन जब चीज़ों को कभी कभी तो अकेले में बहुत रोती हूँ, बहुत, जब मतलब याद आती है ना तो बहुत रोती हूँ, बहुत अकेले में जाके बंद कमरे में। और याद नहीं करना मेरे को, क्योंकि मैं जिस दिन भी याद करती हूँ ना तो मैं पूरे दिन अपसेट सी रहती हूँ, और आज सुबह से मेरे को याद आ रही थी, लेकिन सारे लोग आज कलर वगैरह लगाने के लिए आ गए थे ना, तो इस वजह से थोड़ा सा मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया था, और उस जगह से हट जाता है माइंड। आज मैं किसी के यहाँ पे भी नहीं गई, वैसे मैं हर जगह पैर वैर छूने जाती हूँ अपने आस पड़ोस के घर में, लेकिन मेरा आज मन नहीं करा तो इसलिए मैं गई नहीं। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताना, और प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए, मैं अपने लिए नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए यूट्यूब पर आई हूँ, और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं कोई फेक चीज़ ना दिखाऊँ, मैं जैसी हूँ जो हूँ मैं वही दिखाऊँ, और फेक चीज़ दिखा के मैं कर भी क्या लूँगी यार। एक बात बताओ, आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, आप बड़े होंगे, मेरी यूट्यूब फैमिली दिन ब दिन बड़ी होगी, तो एक ना एक दिन मेरी असलियत सामने आ जाएगी, तो इसलिए मैं जो हूँ जैसी हूँ मैं आप लोगों को वही दिखाना चाहती हूँ, और देखूँगी अब एक दो दिन में फिर से घर जाऊँगी, मतलब घर जाने का मन करता है लेकिन अंदर से भी इच्छा नहीं होती है, मन कर मतलब जब सोचती हूँ ना घर जाने के लिए, जैसे पहले खुशी होती थी ना, अब वो खुशी नहीं होती है, मतलब पहले जाते थे ना इतना सज संवर के, खुश हो के, ये वाले कपड़े पहन के जाएंगे, ये वाले कपड़े पहन के जाएंगे, पर अब वो खुशी नहीं होती है अंदर से, मतलब अंदर से जाके पापा नहीं मिलेंगे, मतलब अंदर से ये होता है। हालांकि भाई अच्छे हैं लेकिन फिर भी पापा की बहुत कमी महसूस होती है, सच में माँ बाप की कमी, मतलब हमारी लाइफ में किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, किसी की भी, हस्बैंड की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, माँ बाप की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। बस मैं भगवान से ये दुआ मांगती हूँ, प्लीज़ भगवान थोड़ी तो खुशियाँ मेरी लाइफ में भी डाल दो, थोड़ी सी खुशियाँ मेरी लाइफ में डाल दो, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। और चलिए मैं अपनी वीडियो का यही एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे बनानी है चाय, और चलिए बाय बाय।